10 मार्च को जब हम चर्चा करेंगे और जब नतीजे खुलने शुरू होंगे, जब रुझान आने शुरू होंगे, तब बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। दीपक साहब सुन रहे थे आप, आपसे सवाल किया मैंने, बीच में त्यागी साहब बोल रहे थे, इस वजह से आपका कमेंट मैं नहीं ले पाई। देखिए त्यागी जी अभी बोल रहे थे कि बीजेपी ने 5 साल में बहुत काम किया, इतने सम्मान निधि दी और भी परियोजनाएं चलाई, इनके हिसाब से पूरा फिट है, मतलब कोई समस्याएं नहीं है, तो फिर ये कैंडिडेट को बदलने की क्यों बात होती है? आधे आधा आप टिकट काटते हैं, कई जगह की चेंजेस होते हैं, आप दूसरे पार्टी से भी लेते हैं, तो ये चीज भी अगर उतना कॉन्फिडेंस है तो आप टिकट मत काटते। जितने विधायक पहले के थे आप उनको लड़ाते, कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर तो फिट में भी जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अभी दोनों आप समाजवादी प्रवक्ता और बीजेपी आपस में लड़ रहे थे कि ये पार्टी वैसी खराब है, दोनों पर आरोप लग रहे थे, तो अगर इतनी दोनों पार्टी खराब है तो आप दूसरी पार्टी के लोग लेते क्यों? आप मौर्या जी को आपने समाजवादी पार्टी ले लिया, आप समाजवादी पार्टी से बीजेपी ने ले लिया, तो कई चीज देखिए, अब विचारधारा की तो बात ही नहीं है, विचारधारा तो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। देखिए मुद्दे पे आते हैं, जो जनता की समस्याएं हैं उस पर बात होना चाहिए था, उसी पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं, जो जनता की समस्या बेसिक चीज है, सड़क पानी और जो बिजली की, इस पर बात होनी चाहिए। आप छोटा बच्चों का भी एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए आप विपक्ष भी ऐसा है, जनता आज जो है परेशान है सत्ता पक्ष से, लेकिन उतना परेशान नहीं जितना विपक्ष परेशान है। अगर आप परेशान है तो आप दूसरी पार्टी की तरफ देखते हैं, शायद वो चीज अगर पैरेलल बनती, एक ऑप्शन बनता विपक्ष में, तो आज जब विपक्ष बहुत मजबूत होता शायद पार्टी का ही टिकट होता। लेकिन आज भी देखिए जो विपक्ष है यूपी में, वो एक तरह से बिखराव सबसे अधिक है, एकता नहीं है। अगर सभी पार्टियां शायद मिलकर लड़ी होती तो शायद अधिक मजबूत होती है और अधिक बीजेपी को टक्कर दे सकती। लेकिन बीजेपी के पास देखिए, एक तो संगठन जो है सबसे बड़ा काम कर रहा है, नेतृत्व भी काम कर रहा है, आप प्राइम मिनिस्टर भी आते थे, रैलियां करते हैं, अध्यक्ष जी भी जो नेशनल अध्यक्ष जी, वो भी नड्डा साहब, वो भी रैलियां करते हैं और भी मिनिस्टर्स रैली करते हैं, तो वो चीज़ वो कार्ड जो है शायद विपक्षी पार्टियों में नहीं दिखा, तो वो चीज़ उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, सीटें बढ़ेंगे। लेकिन जो समस्याएं हैं, महंगाई, रोजगार, सबसे बड़ी चीज विधायक जो है वो अपने क्षेत्रों में नहीं जाती बीजेपी की, तो वो भी एक इशू है जिसको बीजेपी को जो है। त्यागी साहब कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल त्यागी, देखिए ऐसा है, देखने वाला विषय है ये। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बेहद ही जागरूक है, ये समाजवादी पार्टी के झांसे में जनता इसलिए नहीं आने वाली कि ये लोग आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग और राजनीतिक संरक्षण ये माफियाओं को देते थे, परिवारवाद से आज तक ये ऊपर उठ नहीं पाए, तुष्टीकरण की ये लोग राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बारीक नजर रखे हुए कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक संरक्षण पाए माफिया थे, चाहे वो अतीक अहमद थे, चाहे वो एक लंबी फहरिस्त था, चाहे वो बेरक के हाजी गल्ला थे, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, जेल के अंदर ही नहीं गए, इनकी 2000 से अधिक की करोड़ की संपत्ति जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और उत्तर प्रदेश की जनता ये भी देख रही है कि 2013 के अंदर जब ये समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो कैसे इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया था, वो तो भला हो न्यायपालिका का, न्यायपालिका ने उसके लिए मना कर दिया। और आप देखिए कि गुजरात के अंदर अभी अहमदाबाद में जो 38 लोगों को फांसी की सजा हुई है, उनमें से एक समाजवादी पार्टी के नेता का पुत्र है, ये ऐसे ही आरोप नहीं लग जाते। और रही बात परिवारवाद की, जिन ओबीसी पिछड़ों के नाम पर ये राजनीति दावा करते हैं और सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करते हैं, यही समाजवादी पार्टी आज तक अपने स्थापना से लेकर आज तक अपने बाहर से अपने परिवार से बाहर का न राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाई और न पूर्वांचल में बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है, केडी यादव साहब ये कह रहे हैं। देखिए मेरा कहना क्या है, मैंने बताया चाहे वो आगड़े हो चाहे पिछड़े हो, सब लोग बेहद जागरूक है, उत्तर प्रदेश की जनता बेहद जागरूक है, वो ये भी तो देख रहे हैं कि ये पिछड़ों का हितैषी होने के नाम पर जो अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आप पिछड़ों के इतने बड़े हितैषी हो तो करो अपने आप को साबित, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाने का काम करो, या मुख्यमंत्री पद का चेहरा अपने परिवार से अलग बनाने का काम करो, घोषित करने का काम करो, ये नौटंकी अब प्रदेश के अंदर नहीं चलने वाली। यादव साहब बताइए, वोट लोगे पिछड़ों की और मलाई खाओगे खुद, ठीक है? उत्तर प्रदेश का पिछड़ा सवाल क्या, जवाब मैं चैलेंज करता हूँ चैनल पर, ठीक है? त्यागी साहब जवाब भी सुन लीजिए, यादव साहब जवाब दीजिए।
अभी बात कर रहे थे माफिया का, इनको केवल पिछड़ों में यादव मुसलमान और अन्य पिछड़ों में केवल माफिया दिखाई दे रहे हैं। अरे माफिया तो माफिया होता है, इसे जाति में क्यों बांट रहे हो भाई? माफिया तो माफिया होता है। योगी जी क्यों नहीं उनपे कार्रवाई करते? आप केवल एक जात विशेष के घर को देखकर के काम करते हैं, के खाली है कि पिछड़े हैं, यादव हैं। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने परिवार से अलगता बनाने का काम करेंगे? मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अपने परिवार से बाहर का घोषित करेंगे? त्यागी साहब, एक मिनट। मंत्री राजनाथ सिंह की बात करता हूँ, उनके बेटे और आपके अमित शाह के बेटे और जितने भी मंत्री, पूरा आंकड़ा आपको मैं पेश कर दूंगा। अपने परिवार के लोगों को केवल राजनीति से और कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं कर रखते ये लोग? और दूसरी बात, नहीं बात परिवार का लोग, परिवार के व्यक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते। हमारे यहाँ सबसे निचले स्तर से बूथ का अध्यक्ष जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, और बूथ का ही अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बनता है। ये परिवार बात, सवाल को घुमाने का प्रयास ना करें, सीधा जवाब दें। उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, आप वहाँ बता दीजिए, वहाँ क्यों नहीं किसी को महंत बना देते? केवल उसी एक ही समाज के लोग मुख्यमंत्री नहीं। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी क्या किसी राजनीति में हैं? क्या वो किसी विरासत से आए हैं? और वो अपने दम पर आए हैं, वो एक सामान्य कार्यकर्ता थे। आप सीधा जवाब दे नहीं रहे, उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। त्यागी साहब, इसीलिए तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, आपके किसी बहकावे में नहीं आ रही। आपकी सोच केवल परिवार तक सीमित है, और अब तो परिवार में भी लूट के माल को लेकर के बंटवारा हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि शिवपाल जी के साथ आपने क्या सलूक किया। माननीय नेताजी, जिनके नाम पर आप वोट मांग रहे हो, नेताजी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार आप लोगों ने किया? आप नेताजी के संधि, नेताजी के दामाद, सब लोग आपके, जिस परिवार की खातिर आपने उत्तर प्रदेश को लूटा, वही परिवार आपको छोड़ करके चला गया है। अखिलेश यादव जी आज अकेले हैं, उनके साथ पिछड़े आ रहे हैं, और परिवार भी उनको साथ छोड़ करके चला गया है। यादव साहब, अब हमारे पास परिवार है, परिवार चलेगा, और जिसके पास परिवार नहीं है परिवार वालों को मार डाल रहे हैं, उन्हें रोजी रोटी परिवार आदरणीय हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के भी पास है। उनका एक भाई आज भी पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है, एक भाई आज भी कबाड़े की दुकान चलाता है। ऐसा समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि अगड़े पिछड़े, कोई नगर पालिका चेयरमैन, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई MP, कोई MLA, कोई मुख्यमंत्री, कोई पार्टी का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको कहते हैं परिवार। हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बहन आज भी फूल बेच रही है, चाय की दुकान चला रही है, अरबों खरबों की मालिक नहीं है वो, उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। इसीलिए आपको खदेड़ने का काम 2017 में किया गया था, और 2022 में भी खदेड़ा जा रहा है। और आप बताइए ना कि 11 मार्च की टिकट आपके नेता ने लंदन की किस लिए बुक कराई है, अगर वो इतने कॉन्फिडेंस में है तो? यादव साहब, गुमराह करने की राजनीति के दिन अब लद चुके हैं। यादव साहब, शायद नेटवर्क की समस्या हो। यादव साहब, नेटवर्क की समस्या हो रही है, और यहाँ पर त्यागी साहब ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, एक एक करके जवाब देते जाइए। देखिए, आज जिस तरह से पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग बात के जागरूक हो गए हैं। इनसे एक बार ये पूछिए कि आप पिछड़ों को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे अपनी पार्टी का? इनके साथ गठबंधन में है ओम प्रकाश राजभर जी, क्या उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाएंगे? ओम प्रकाश राजभर ने तो आप पे भी आरोप लगाए, इसी वजह से तो पार्टी सेना हुए। त्यागी साहब, ओम प्रकाश राजभर जी, मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूँ। जो ये पिछड़ों का हितैषी होने की बात करते हैं, मेरा कहना यह है कि अपने परिवार से अलग, अगर ओम प्रकाश राजभर जी पर इन्हें भरोसा नहीं है तो और तमाम स्वामी प्रसाद करते हैं आप खुद, तो क्या ये उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करेंगे अपने परिवार से अलग?
मेरा सवाल ये है, आप सीधा जवाब लीजिए इनसे। मेरा सवाल है, 17 में आपने केशव मौर्य और आपके ओम प्रकाश राजभर और परिवारवाद की बात है, हमारे यहाँ कोर कमेटी होती है, किसी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, किसी प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बना, किसी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना हमारे यहाँ। आप किसी का नहीं, लेकिन जो काम मांगा है, जिस समाज से मांगा है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबको साथ लेकर चलने में यकीन करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति आप लोगों की तरह नहीं करती। और जितने भी आप ये बता रहे हो आपके दिग्गज, इस बार जो लोग आप दावा करते थे कि बाबा जी को हमने मठ में भेज दिया, अरे आप तो करहल में जाकर के छुप गए, वहां से भी आप ऐतिहासिक रूप से हारने जा रहे हैं। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी, माननीय यशस्वी योगी मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे रिकॉर्ड मतों से गोरखपुर से जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप तो नहीं देख रहे हैं कि आज जितने आप करहल में क्यों गए, कहीं दे रहे हताशा का कोई देर नहीं। आने वाले 10 मार्च मैं एंकर महोदय से निवेदन करूंगा कि 10 मार्च में भाई साहब को जरूर लाए डिबेट में, इनका फोन बंद आएगा और ईवीएम का होना ये शुरू कर देंगे। मेरा निवेदन है आपसे, आज ही से प्रैक्टिस कर लीजिए आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपको खदेड़ रही है और आप खदेड़ना स्वीकार करेंगे नहीं और ईवीएम पे रोना शुरू कर देंगे भाई साहब आप, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए आप। लोगों के कपड़े फाड़ दी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का बड़ा स्पष्ट जनादेश हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी सूचना लगने से पहले अपना मन बना चुकी है। माफिया आतंकवाद परिवारवाद तुष्टीकरण के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई स्थान बाकी नहीं रह गया। तो यादव साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क की समस्या है, लेकिन त्यागी साहब की आवाज पूरी तरह से मुखर यहां नजर आ रही है। यहां पर पूरा चैलेंज जो है वो त्यागी साहब ने रख दिया है। यादव साहब, अगर नेटवर्क 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 की समस्या ठीक हुई हो तो जवाब भी दे दीजिएगा। आप लोग अपना देख लीजिए, जनता ने निर्णय ले लिया है और अधिकारी आपके अयोध्या में। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। देखिए नेटवर्क की समस्या है और इनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि जिस अयोध्या का ये नाम ले रहे हैं, अयोध्या में उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता भी नहीं बोली है। प्रभु त्यागी साहब, सारे सवाल ले लूंगी, बस नेटवर्क की समस्या थोड़ी ठीक हो जाए, वो चलवाने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया था। सारे सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है जिस वजह से यादव साहब से कनेक्शन थोड़ा टूट गया है। दीपक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी देखिए, लड़ाई वही है जो 4-5 महीने पहले जो शब्द थे वही हैं और आज भी वही है और 10 तारीख तक वही रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और 10 मार्च तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी रहेगा। 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी, जब नतीजे आएंगे, तो उसके बाद ये जो चुनावी शोर है वो पूरी तरह से शांत हमें नजर आएगा। लेकिन देखिए, छठे चरण को लेकर हम बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, ऐसे में बीजेपी तमाम आरोप सपा पर लगा रही है, सपा पर तमाम आरोप बीजेपी पर लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसका पड़ना ज्यादा भारी है इस बार ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक लगातार जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि लहर किसकी है ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर सपा जो है वो बीजेपी को लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें साफ हो रही है, छठा चरण है, चुनाव लगातार जारी है, 10 जिलों की 57 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला लगातार देखने